उज्जैन नगर में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने एंटी डेंगू दवाई का छिड़काव करवाया। खास बात यह है कि उन्होंने सारा खर्चा स्वयं वहन किया ताकि नगर निगम पर कोई दबाव न पड़े। वर्तमान समय में पूरा शहर डेंगू के डंक की मार झेल रहा है और प्रशासन के जिम्मेदार ने कागजी खाना पूर्ति पूर्ण करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है, लेकिन धरातल पर कहीं कोई दवा का छिड़काव या फंगिंग मशीन ने रत्ती भर भी काम नहीं किया है। ऐसे में वर्तमान जागरूक जनप्रतिनिधि सामने आ रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र की जनता की स्वास्थ्य की चिंता को देखते हुए अपने खर्च से दवा का छिड़काव करवा कर एक अनोखा उदाहरण पेश कर रहे हैं। ऐसे ही वार्ड क्रमांक 52 में राजेंद्र वशिष्ठ ने डेंगू मलेरिया के मद्देनजर संपूर्ण वार्ड में दवा का छिड़काव करवाया है। राजेंद्र वशिष्ठ ने किराए का वाहन बुलवाकर व दवाई खरीदवा कर छिड़काव करवाया है। इससे क्षेत्र के रहवासी खुश हैं। हालांकि क्षेत्र में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होने से मच्छर कम है, फिर भी इस प्रयास को रहवासी ने जनता के हित में बताया। परेशान कर रहा है, मच्छर बहुत ज़्यादा है गटर नालियों के कारण। सफाई वगैरह तो सब अच्छी है, पर मच्छरों के कारण बहुत परेशानी कर रही है। पहले भी दवा छिड़ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी आज छिड़वा कर रहे हैं राजू भैया? आज छिड़वा रहा है, इससे कोरोना में खूब बार बार छिड़वाई, तीन तीन चार चार बार होती थी हफ्ते में। इस विषय में राजेंद्र वशिष्ठ का कहना है कि नगर निगम के पास संसाधनों की कमी है और वर्तमान हालात में इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए निजी खर्च से छिड़काव की व्यवस्था बनाई है। कोरोना के समय भी इस प्रकार का छिड़काव कराया गया था। तो इसमें वार्ड को लेकर क्या तैयारी करी आपने? डेंगू ऐसी महामारी के रूप में सामने आई है और मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और नगर निगम के अधिकारियों से भी चर्चा की गई थी कि व्यापक स्तर पर छिड़काव किया जाए। नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है वो थोड़ा सीमित है, इसलिए हमने व्यक्तिगत रूप से यहाँ के रहवासियों ने मिलकर एक टैंकर बुलवाकर और डेंगू की दवाई का छिड़काव करने का कार्य प्रारंभ किया है और प्रति सप्ताह पूरे वार्ड में एक एक बार इस टैंकर के माध्यम से छिड़काव किया जाएगा।